अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक ऑन गुड वाइब्स विद उस्नीत। काफी दिनों के बाद हम लोग का व्लॉग आया है और हर टाइम हमारा यही वर्ड होता है कि काफी दिनों के बाद आया है। बट लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखोगे कि मैं इंडिया चले गई थी, वहां से अब मैं आ गई हूँ और अभी मैं हूँ कुवैत में। जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देके पता ही चल गया होगा कि अभी मैं कुवैत में हूँ और यहाँ पे हो रही है हल्की हल्की सी बारिश। ओके और मुझे ठीक है, मुझे कुवैत में आके अभी एक हफ्ता ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है और उसके बाद हम लोग शायद 3-4 हफ्ते के बाद हम लोग नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आगे हमारे इस ये व्लॉग हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आप लोग को भी देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा शायद ये, और शायद से मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। उम्मीद है कि मैं कंटिन्यू कर लूँगी, मतलब हम लोग देखते हैं अब ये व्लॉग कब तक और कहाँ तक चलता है। हल्की हल्की बारिश होने के बाद बारिश काफ़ी ज़ोर से हो गई थी और हम लोग भीगते भीगते आ गए और हम लोग आए हैं यहाँ पे सालमिया मार्केट। एज यूजल हम आ गए हैं सालमिया मार्केट और हम क्यों आए हैं, क्योंकि उस्मान को 4 दिन की हॉलीडे है तो हम लोग इंशाल्लाह ताला कल हम लोग जाएंगे उमरा के लिए, तो एक्साइटमेंट भी है जाने के लिए। अब देखते हैं क्या कैसे क्या, फट से पैकिंग भी करनी है, अभी थोड़ी पैकिंग भी बची है, मोहम्मद के होते हुए पैकिंग नहीं हो पाती है, मैं अकेली घर में रहती हूँ तो अब है सब लोग घर में। और आज है शबे बारात, तो आप लोग बोलते होंगे शबे बारात की इबादत करने की बजाय आप लोग घूम रहे हो, हम लोग घूम नहीं रहे, हमारी ज़रूरी चीज़ लेने के लिए बस नीचे उतरे हैं 5-10 मिनट के लिए और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर पे और हमारी इबादत कंटिन्यू करेंगे। और आप सबको भी शबे बारात बहुत बहुत मुबारक हो। चलो देखते हैं अभी हम कहाँ जाते हैं। MRG जा रहे हैं, हमको कुछ लेना है, फिर देखते आगे ये व्लॉग कब कंटिन्यू होता है, आज ही होता है या कल होता है या कैसे होता है। चलिए, यहाँ उस्मान को बहुत ठंडी लग रही है, कुछ बोल रहा नहीं ये व्लॉग में, मैं बाद में कंटिन्यू करूंगा। मुझे इनको जैकेट पहनने के बाद भी ठंडी लग रही है और मैंने डबल जैकेट पहना हुआ है और मैं सिंगल बुरखे में हूँ, अंदर सिर्फ मेरा एक ड्रेस है और कुछ भी नहीं है और हवा काफी तेज चल रही है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मालूम है कल निदा ने ही व्लॉग चालू कर रही थी क्योंकि मैं था निदा के साथ में और मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, बारिश भी हो रही थी और मैं डबल जैकेट पहनने के बाद भी मुझे ठंडी लग रही थी। तो आप सबको निदा ने बताया कि हम फिर से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उमरा के लिए, तो अब निकले हैं, अभी है एयरपोर्ट पर, इधर से ही हम लोग एहराम पहन के जाते हैं कि डायरेक्ट उतर के साथ में उमरा करने जाएंगे। और आज रोज़ा भी हमारा, इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ करना, हमारा सफ़र भी आसान हो जाए और हमारा उमरा भी कबूल हो जाए। मोहम्मद तो फ़िलहाल सोए हुए हैं और इधर है साथ में नीता। आपको जैसा हमने बताया क्या कुवैत में हर टर्मिनल्स अलग है, तो जज़ीरा एयरवेज़ के ये जज़ीरा एयरवेज़ का टर्मिनल्स और ये ड्यूटी फ्री है, उसका बहुत छोटा एयरपोर्ट है और आप देख सकते हैं, आपको पहले भी हमारे पहले ब्लॉग में भी बताया हुआ है। हो गया हमारे बोर्डिंग का टाइम और अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए, मोहम्मद को उठा के लिए और आगे आप चल रहे हो, इधर निदा है। यार थोड़ी ठंडी लग रही है, शायद प्लेन में तो नहीं, फ्लाइट में नहीं लगेगी, इधर थोड़ी एसी चल रही है टर्मिनल्स पे, इसके लिए थोड़ा फील हो रहा है ठंडी का। हमारी बोर्डिंग हो चुकी है और हम बैठे अब बस में। जज़ीरा एयरवेज़ का थोड़ा ये की प्रॉब्लम है कभी कभी, क्या बस से भी जाते हैं प्लेन में बिठाने के लिए, और ठंडी काफ़ी बढ़ रही है, ठंडी अच्छी खासी ठंडी लग रही है एहराम में, देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह आसान करें। और इधर निदा मेरे को देख देख के हंस रही है क्योंकि मैं कांप रहा हूँ ना, शिवरिंग हो रही है ठंडी की वजह से, तो इधर निदा देख के हंस रही है। इधर मोहम्मद और अब्बा है, पहुँच चुके हैं और इधर का क्लाइमेट कुवैत से बेहतर है, ठंडी तो नहीं है इधर और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, कंफर्टेबल क्लाइमेट है। इधर भी बस में से ही जाना पड़ेगा, इधर भी बस में से ही लेके जा रहे हैं टर्मिनल।
बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। थोड़ी हल्की सी धूप है और ये हमारा जजीरा का फ्लाइट। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा इमिग्रेशन भी जल्दी हो चुका है और अभी हम लगेज का वेट कर रहे हैं। अब तक लगेज तो आया नहीं, लगेज चालू नहीं हुआ है और सेकंड टाइम आने का बेनिफिट है वीज़ा पे कि आपके फिंगर पर ही डायरेक्ट जल्दी जल्दी सब इमिग्रेशन हो जाता है। थोड़ा अबा के लिए थोड़ा टाइम लग गया लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ही हो चुका है, वो हो गया था। और मोहम्मद तो इधर इंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद मोहम्मद से हाई, मोहम्मद से हाई, सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो, सलाम। मोहम्मद शर्मा रहे आप लोग को सबको। हम लोग जिद्दा एयरपोर्ट से निकले हैं और हमारे एक टैक्सी वाले पहचान के अहमद भाई, उनके साथ में अब जा रहे हैं मकाम में, वहाँ में लेने आए थे जिद्दा एयरपोर्ट पे। देख सकते हैं जिद्दा एयरपोर्ट के बाहर की वादियाँ, कितना मस्त क्लाइमेट है यहाँ का। हम लोग तो अहराम बन के कुवैत से आए लेकिन कोई जो नहीं बन के आते उनको इधर मस्जिद आयशा में आना पड़ता है उनके होटल से, फिर इधर से अहराम बन के नियत करके निकलते। ये है मस्जिद आयशा और इधर से कुछ ही देर पे हरम शरीफ है। तो पहुंच चुके हैं हरम के करीब में, ऑलमोस्ट हमारे होटल के करीब में। इधर ही हमारा होटल है और ये क्लॉक टावर का आपको चांद भी दिख रहा होगा। ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट क्लियर करके फिर हम जाएंगे हमारे होटल की तरफ। इधर ही सब हिल्टन का जितने भी होटल है हिल्टन के इसी रूट पे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का उमरा हो चुका है। हम लोग ने अंदर का तो कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आपको मालूम है आए इधर इबादत करने, तो पहले इबादत बाद में ब्लॉग। तो अब आ चुके हैं होटल में, चेक इन अभी हो रहा है हमारा और हो गया हमारा चेक इन। अब हम घर में आ चुके हैं अंदर फ्लाइट में, हमारा जो हमने बुकिंग किए हिल्टन में, हिल्टन मक्का एंड कन्वेंशनल सेंटर जो कि इधर है जबल उमर पे ही है। उन्होंने जो सूट्स बुक सूट जो बुक किए है जबल हिल्टन बाय कन्वेंशनल में, तो उसका सूट्स ऐसा है कि ये है एक लिविंग एरिया, उसके बाद इधर है वॉशरूम, एक इधर है वॉकिंग वार्डरोब और ये एक बेडरूम है। कंफर्टेबल बेड है एकदम अच्छा खासा बड़ा, क्योंकि हम लोग तीन चार जन हैं, मोहम्मद, मैं, मेरी वाइफ और डैडी अब्बा है, तो उसके हिसाब से बहुत कंफर्टेबल और रिजनेबल भी पड़ता है बुकिंग में अगर ग्रुप बुकिंग करेंगे तो। हमारे रूम से बाहर का कुछ व्यू ऐसा है, हरम व्यू है हमारा, पार्शियल हरम व्यू है क्योंकि ये जो सामने जो ये मीनार का जो कंस्ट्रक्शन चालू है उसके पीछे ही काबा है, तो काबे का तो व्यू नहीं दिखता है लेकिन मस्जिद और हरम दिखती है। और ये क्लॉक टावर है इधर, काफ़ी गर्दी है, काफ़ी ऑफ सीज़न भी होके भी काफ़ी गर्दी, आप देख सकते हैं कितनी गर्दी है। तो इधर तो खाली लग रहा है लेकिन आप आगे आगे जाएंगे तो देखिए कितना फुल है। अभी इशा की भी नमाज़ हो चुकी है, हमारे रोज़ा था आपको बताया हमने, तो अभी इफ्तारी करके इशा की नमाज़ भी हमारी हो चुकी है। इशा की नमाज़ हमने इधर ही हमारे होटल में थर्ड फ्लोर पे जो मस्जिद है हरम से जो कनेक्ट है उधर पड़े, और देख सकते हैं ये नाइट व्यू हरम का हमारे होटल से, हम आपको बता रहे हैं ऊपर पूरी फुल गर्दी है इस बार, जो हज और रमज़ान के जैसे रहते हैं ना, रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखेंगे तो बहुत बहुत काफ़ी काफ़ी दूर दूर तक गर्दी है, क्या इतना कि ऊपर के फ्लोर्स भी भर रहे हैं। और इधर निदा व्यूज़ ले का व्यूज के मज़े ले रही है और इधर मोहम्मद भी, मोहम्मद दुआ करो, मोहम्मद दुआ पढ़ो, दुआ करो। मतलब हमको पहाड़ों वाला वो व्यूज सबको तो अच्छा लगता है, पर ये व्यूज किसको नहीं देखने का अच्छा लगता होगा, मतलब हर किसी को लगता है कि हम ये व्यू अपने जिंदगी में लाइफ में कभी ना कभी तो देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी ये सेकेंड टाइम आए, हम लोग कुछ 3-4 months पहले आए थे और अब वापस अल्हम्दुलिल्लाह बुलावा आया है, मतलब ऐसा होता है हर
मतलब तुम कितना भी कितनी जिंदगी भर कहीं जाने का प्लान करो, लेकिन कभी कभी कुछ प्लान ऐसे होते जो चुटकियों में हो जाते हैं, वो ऐसे ये वाला प्लान था अल्हम्दुलिल्लाह से। मतलब जब हम लोग दोनों टाइम उमरा के लिए आए, लेकिन सडनली प्लान करके आना, दो तीन दिन में सडन अगर आपका आना होगा तो कैसे भी आऊंगा, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो या पैसा ना भी हो तो आप आ सकते। पैसा हो के भी कई लोग ऐसे आ ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ अड़चन या बोलते हैं जिससे कुछ रुकावटें आई जाती है। जब तक के बुलावा नहीं आता है तब तक के कोई नहीं आ सकता है। इधर पैसा मैटर नहीं करता है, इधर नियत और इरादे मैटर्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रात का खाना भी हो गया जो हमारे कज़न ने ही लाए थे। सब घर से अल्हम्दुलिल्लाह इतना मस्त बना के लेके आए थे, तो इंडिया की याद आ गई, मच्छी छोली और राइस दाल सब घर का ही खाना था। हम लोग ने इधर ही होटल में पर ही फ्लाइट में ही बैठ के खाए, और अब जा रहे हैं हमारे को एग्जीक्यूटिव रूम का जो एक्सेस मिला है एग्जीक्यूटिव फ्लोर का, वो देखने जा रहे क्या एग्जीक्यूटिव लॉन्च का, सॉरी देखते उधर क्या है, और इंशाल्लाह ताजुद में फिर जाएंगे तवाफ करने के लिए। अभी फ़िलहाल बहुत गर्दी है, मोहम्मद को लेके नहीं जाएगा इसलिए अभी हम लोग नहीं जा रहे। हिल्टन का कुछ इस तरीके का एग्जीक्यूटिव लॉन्च है, एक डिनर बफे डिनर का डाइनिंग है, काफ़ी अच्छा है, और इसका भी टाइमिंग कुछ टाइमिंग है इसका 10 मॉर्निंग 8 to 10। हम लोग एग्जीक्यूटिव लॉन्च देखने आए थे तो हमको अभी अभी मालूम पड़ा कि हमारा डिनर भी फ्री है और शाम का ब्रेकफास्ट भी फ्री है। तो अब आए हम जिम में थोड़ा ऐसे ही देखने कैसी है यहाँ की जिम, और नीदा भी कार्डियो कर रही थी थोड़ा। अब जा रहे हैं रूम पे सोएंगे और मिलेंगे कल सुबह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता भी हुआ है, फजर की नमाज भी हो गई है, और अब हम जा रहे हैं वापस तवाफ करने। लेकिन आपको कुछ होटल से हमारे रूम से मॉर्निंग का व्यू बताते हैं, और इधर एक चीज़ है नीचे वो भी आपको एक बताते हैं ऊपर से। हमारे रूम से आपने तो कल इवनिंग का व्यू देखा है, मॉर्निंग का व्यू देख सकते हैं और क्लियर है, काफ़ी काफ़ी ही नज़दीक है हम लोग यहाँ से। ये जो रेड स्ट्रिप जो बनी हुई है बस के लिए, यहाँ से ही हमारे होटल की एग्ज़िट है, और वहाँ पे सामने ग्रीन कार जो आपको दिख रही है टैक्सी, उधर गेट है। उससे पहले हमको एक चीज़ बताना है, आप देख सकते हैं ये खाली मैदान पड़ा हुआ है, खाली पूरा एक बंजर जैसा। इसका एक किस्सा है ज़माने जाहिलियत के टाइम का, हमें भी कल ही मालूम पड़ा। क्या अभी फ़िलहाल में अभी के करंट टाइम पे काफ़ी लोग ने यहाँ डेवलप करने देखे बहुत कुछ है, लेकिन जितने बार डेवलप करने देखे वो सक्सेस नहीं हुआ। तो उसके बाद उसकी ये किए तहकीकात किए, तो कोई मुफ्ती लोग ने बताया कि इधर कुछ नहीं करना और ये ज़मीन को जगह के ऐसा ही रखना। मसला ये है कि आप ज़माने जाहिलात में इधर आपको मालूम होगा पहले किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा दफनाया जाता था, तो इधर मक्का के पास ये मकाम है, ये जगह है, इधर दफनाया जाता था ज़िंदा लड़की लोग को, औरत लोग को, जो भी लड़की पैदा होती थी किसी के घर में। तो उस वजह से शायद कुछ हो सकता है, इसलिए इधर जो भी कोई कुछ डेवलप करने देखता है तो नहीं होता है। तो इसलिए अभी इधर की गवर्नमेंट ने, इधर के जो हरम शरीफ के इमाम मुफ्ती सब लोग हैं, उन लोग ने इधर डेवलप करने से मना किया हुआ है। हमारे जो होटल में जो है इधर ही लिफ्ट है ऊपर करीब में, और यहाँ से नीचे से एंट्री है डायरेक्ट हरम में। अब देख सकते हैं ये बेसमेंट है, और ये बेसमेंट से जाते जाना है बाहर, और जो आपको मैंने ऊपर से बताया जो ब्लू ट्रैक बस की, वो ये डोर से ही आती है। और इधर काफ़ी ज़माने पुराने हाथ से और थ्रेड से बनाए हुए कुरान है ये। मैं आपको जो ऊपर से बताया ब्लू ट्रैक, वो यही है हमें बेसमेंट में से हम आ गए। इधर भी ये सब पूरा हिल्टन का ही पार्ट है जो बन रहा है अब, और बन रहा है, वास्ट हो रहा है, और अल्लाह को मालूम है इतने सारे सीढ़ी कौन चढ़ेगा ऊपर तक और कौन उतरेगा। ये इधर सीधा डायरेक्ट आपको बता ना, चले गए ये ब्लू ट्रैक है, ये जो कार्ड की है, और शायद वो पिंक या ग्रीन कलर की शायद वो ट्रैक है जो बस की थोड़ी आगे। ये हमारा इधर होटल है और इधर हरम का गेट है, काफ़ी नज़दीक है, और किसी को भी आना है तो डायरेक्ट वीज़ा लेके
तो ज़रूर हिल्टन कन्वेंशनली बुक करना, bookingmy.com से बहुत काफ़ी सस्ता पड़ता है। ऑन द स्पॉट आके जो रिसेप्शन पे बुक करेंगे तो उसको थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन booking.com से काफ़ी सहूलत भी मिलती है। और आपको मैं, हाँ, अगर आप जो हिल्टन बुक करेंगे तो आपको कौन से गेट से जाना है वो भी मैं आपको आगे जाने के बाद बताता हूँ। देखो आपको वो होटल तो इधर ही है, और आपको होटल के पास एकदम करीब में जाना है तो गोल्फ कार्ट भी है, और इधर ही पीछे ले होटल के नीचे अलबैग भी है जो कि काफ़ी सऊदी का काफ़ी है। देखो ये रेड ट्रैक है जो मैं आपको ऊपर से बता रहा था, इधर से ही जाना है अपने को सीधा सीधा, और इधर एग्जैक्ट सामने उधर गेट है, गेट नंबर 79 आता है, किंग फहद ना, किंग फहद गेट आता है। देखो ये जो है ना, जो ग्लास वाला जो आर्च दिख रही है वो हमारा होटल है, थोड़ा पहाड़ पे, जबल उमर है ये पहाड़ का नाम। पहले काफ़ी ज़माने में डैडी पहले आए थे तो बता रहे थे सिर्फ ये पहाड़ था इधर कुछ नहीं, और वहाँ से आना है अपने को चलते चलते साइड से फुटपाथ से, और सामने ये एंट्री है सीधा छोटी सी, फिर बाद में अंदर किंग फहद गेट आता है 79 पे। और इधर काफ़ी टैक्सी भी मिलता है अगर किसी को जिद्दा जाना है या इसके लिए सेकेंड उमरा करने के लिए मस्जिद या आयशा जाना है तो वो भी इधर से टैक्सी सब मिलती है, मदीने के लिए भी मिलती है, लेकिन मस्जिद का काफ़ी एक्सपेंशन का काम चल रहा है, बहुत अभी तक काम चालू है, शायद से मुझे लगता है ये हज के सीज़न तक हो जाएगा। काफ़ी नया डेकोर विकोर का काम चल रहा है, और देख सकते हैं सब कंस्ट्रक्शन ही इधर हो रहा है अभी भी फ़िलहाल। और ये है इधर क्लॉक टावर का भी आपको बताते सामने से, और ये दारुल तबीब इंटरनेशनल अगर कोई बुक कर रहा है तो एकदम हरम के अंदर ही है इसकी एंट्री, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, थोड़ा एक्सपेंसिव जो एकदम जितना क्लोज में रहेंगे उतना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। हिल्टन भी एकदम ही क्लोज में थोड़ा ही चलना पड़ता है, थोड़ा तो चलने की आपको ये मेहनत करना पड़ेगी। देखो जिधर हमारा होटल है उसके करीब में ही एक क्लॉक टावर भी है, क्लॉक टावर का मॉर्निंग का व्यू भी कुछ अच्छा है, धूप है थोड़ी धूप नहीं है काफ़ी, बहुत धूप है लेकिन गर्मी महसूस नहीं होती है, सिर्फ मुंह पे मारती है ये, और भीड़ में तो थोड़ी बहुत स्वेटिंग होती है क्योंकि आपको मालूम है उमरा के लिए पब्लिक कितनी होती है, कितनी ज़्यादा, काफ़ी बहुत पब्लिक है इस बार, लाखों में पब्लिक है, जैसी हज के टाइम पर रहती वैसी अभी, लाख तो कुछ नहीं, गिन अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा। देखो आप फर्स्ट टाइम आते हैं ये 79 गेट है, और सामने डायरेक्ट इसका हरम व्यू है, तो अगर कोई फर्स्ट टाइम आता है तो नज़र झुका के आना, और एक टाइम उमरा होने के बाद अगर किसी को जाना है मस्जिद में तवाफ़ करने तो अहराम पहन के ही जा सकते, विदाउट अहराम एंट्री नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ भी हो चुका है, एक घंटा लगा हमें तवाफ़, बहुत काफ़ी गर्दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह काबे को भी छूने मिला है हमें, और अब जा रहे थोड़ा एक्सप्लोर करने क्लॉक टावर, इधर क्लॉक टावर में कुछ मॉल है बोल रहे हैं, तो अब जहर के लिए टाइम है तो जब तक सोच रहे हैं हम लोग जाते हैं क्लॉक टावर देखने क्या है उसमें। क्लॉक टावर की कुछ एंट्रेंस यहाँ से ऐसी है, और अभी हम जा रहे हैं अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं आपको भी एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या है। काफ़ी इधर अतर के शॉप है, और काफ़ी स्टोर्स है, रिटेल स्टोर क्लोथ्स के, ड्राई फ्रूट के, और इसके क्लॉक टावर के नीचे ही है, आप आ सकते कभी आए तो आपका कुछ अगर शॉपिंग के रद्द से तो उमरा के लिए आना नहीं चाहिए, लेकिन आते हैं कभी कुछ खुशबू या खजूर बिजूर लेते हैं तो इधर है शॉप्स। ज़्यादातर क्लॉक टावर में नीचे जो है ना कैफ़े है और परफ्यूम की शॉप्स ही है, और तक परफ्यूम की शॉप है, हमें तो कुछ लेना नहीं है, हम लोग तो जस्ट एक्सप्लोर करने आए आप लोग के लिए, क्या लोग जो पब्लिक बोलती है क्लॉक टावर तो क्लॉक टावर में ऐसे क्या चीज़ है वो सब चाहते हैं। इधर निदा भी है साथ में, निदा का कज़न भी है साथ में अफजल। जैसा आपको मैंने बोला था रमज़ान की तैयारी चालू हो गई है, तो रमज़ान का डेकोरेशन भी इधर चालू हो चुका है, और इधर ज़्यादातर तो सब डबल ही शॉप है, जैसा इधर अरेबियन ऊद है तो नीचे भी अरेबियन ऊद है वही वहाँ कॉर्नर पे, और बॉडी शॉप है,
ज़्यादातर शॉपिंग का ही है ये, इसमें बेसमेंट में मेज़नाइन फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे भी एक, शायद सेकंड फ्लोर पे कुछ शायद रेस्टोरेंट्स है ऊपर। हम लोग नमाज से आने के बाद कमाल हम लोग उधर गए थे किधर, क्लॉक टावर आने के बाद नहाए, फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद अब जा रहे हैं हम लोग कहीं कुछ खाने, एक रोमांस या होटल बोल के रेस्टोरेंट थोड़ी देर पहले हम लोग जो आए थे हमको बहुत पसंद आया था, तो अब जा रहे हैं अभी हम लोग उधर दोपहर का लंच करने, फिर आने के बाद चाय भी पी के शाम का ब्रेकफास्ट करके फिर जाएंगे वापस तवाफ करने इंशाल्लाह। हम लोग जाते जाते मेरे रास्ते में से जा रहे तो मीना का रास्ता दिख रहा है, देख सकते हैं अभी ये जो मीना में आज के टाइम पे आते हैं मीना मुजल्फा, तो उसके टनल और ये सब जो खेमे टेंट्स जो बने हुए हैं और ये पैलेस है ऊपर का पैलेस है, और ये आप देख सकते हैं पूरे बहुत सारे टेंट्स हैं, जब हज के टाइम पे इधर का मंजर ही कुछ और होता है। जो मैं आपको बता बोल रहा था जो रोमांस या रेस्टोरेंट, वो ये रेस्टोरेंट पूरा फैमिली डाइनिंग टाइप है, नीचे दस्तरखान टाइप बैठना होता है, मैं ऊपर चल के आपको बताता हूँ। अहमद भाई को तो आगे करो, हम दोपहर में रोमांसिया से खा के आके थोड़ा रेस्ट करके प्यासर की नमाज पढ़ के अब जा रहे हैं हम थोड़ा चाय पान करने, क्योंकि हमारी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का तो हिल्टन में है तो वसूल तो करना चाहिए ना, तो हम लोग जा रहे हैं तीनों ब्रेकफास्ट करने, इवनिंग ब्रेकफास्ट बताते आपको, वही कल जो गए थे एग्जीक्यूटिव लॉन्च उधर ही है चाय का और ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड डे मॉर्निंग हो चुकी है हमारी मक्का में और आज हमारा लास्ट दिन है, आज हमारा चेकआउट है, तो फजर और तहज्जुद की नमाज के बाद अब जा रहे एक बार तवाफ़ करने, क्योंकि बहुत गर्दी थी तो अभी जा रहे थोड़ा खाली हुआ है, तो जा रहे अब तवाफ़ करने और तवाफ़ करके आने के बाद ब्रेकफास्ट करके इंशाल्लाह मदीना के लिए निकलेंगे, तो अब जा रहे एक आखिरी बार अलविदा लेने के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह का जल्द ही फिर से बुलावा आ जाए, जाते हैं एक लास्ट बार इंशाल्लाह तवाफ़ करके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से तवाफ़ हो चुका है और तवाफ़ करके आए हैं अब हम ब्रेकफास्ट के लिए, और हमारा जो ब्रेकफास्ट का सेशन है 1701 अब जा रहे हम नाश्ता करने के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज है हमारा थर्ड डे और लास्ट डे और हम कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट, और हमारा लास्ट टाइम पर हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं बता पाए थे, बहुत भूख लगी थी और आप लोग हमारी हालत देख चुके हो, अभी नींद वीन अब तो नींद तो पूरी करने नहीं आए, इबादत करने आए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा इसका ब्रेकफास्ट है, खबूस अलग अलग तरह के बंस है, पैनकेक्स है, वॉफल्स वो लोग बना के देते हैं, ये सब बेकरी आइटम्स हैं, मफिन्स, ब्रेड, ब्रेड मशीन यहाँ से हम लोग गर्म करके ले सकते हैं, और यहाँ पर है फलाफल काउंटर, फलाफल सैंडविच बन रहा है, ये है सऊदी कावा, खजूर साथ खजूर के साथ, और यहाँ पे एक स्टॉल है इसमें है पता नहीं ये क्या है, और ये सब सैलड जैसा कुछ है, फिर ये पता नहीं क्या है लिखा हुआ नहीं यहाँ जिस पे, ये अलग अलग तरह के जैम, फिग और क्या बोलते हैं हनी, न्यूटेला, ये सब सारी चीज़ें, हनी, ये हनी, ये एक कॉर्नर है यहाँ पे है डेट्स विथ नट्स,
करके स्वीट कॉफी, और यहाँ पे है केचप, मेयोनीज एंड बारबेक्यू सॉस। आपको निदा ने बताई उधर बेकरी आइटम्स के काउंटर्स, इधर है जूस और इधर है सब ग्रेवी ऑमलेट, और इधर फ्रेश लाइफ ऑमलेट भी बनने के लिए आ जाता है, और इधर फ्रूट और सलाड्स का सब ग्रिल्स का काउंटर है, और इधर निदा पी रही है कैपेचिनो। ये है कुछ इस तरह से हमारा होटल की एंट्री। हम अभी बता रहे हैं जब हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, और हम अब चेकआउट का टाइम है, हम चेकआउट कर रहे हैं, और अब हम यहाँ से मदीने के लिए इंशाल्लाह रवाना होंगे, मतलब हो ही गए समझ लो, बस टैक्सी का वेट कर रहे हैं। हमारे अहमद भाई अब आने वाले हैं। ये है इधर का लॉबी एरिया, और यहीं से हमको हरम के लिए नीचे उतरना है। और ये जो पार्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका शैंडलियर बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये इसका रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ का मतलब मुझे होटल का जो व्यू है और जो एम्बियंस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, कि इंसान की सारी थकान जब हम हरम से आ जाते हैं, वैसे हरम में तो वैसे भी सुकून रहता है, और यहाँ पे का व्यू जो होटल से दिखता है हरम का वो भी एक सुकूनदायक है। और यहाँ पे एक है स्टारबक्स का छोटा सा काउंटर टाइप में, और यहाँ से हम ना कुरान शरीफ का एक छोटी सी शॉप बोलेंगे वो है, और यहाँ पे अलग अलग तरह के टावर्स की एंट्रीज है। यहाँ से हम लोगों का था, और हम लोग का 17th फ्लोर पे रूम था। देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है, एग्जिट, और ये है बाहर का व्यू। कुनिदा ने जैसा बताया कि हम लोग मक्का छोड़ चुके हैं, मक्का से निकले हैं मदीना जाने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाले ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आएगा और कुछ छोटी मोटी मालूमात मिलेगी आपको। तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मदीना पहुंच के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।